लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। ए पहुना यही मिथिले में रहूना, और बस मैं जहाँ भी जाती हूँ बिहार मेरे साथ रहता है। जौने सुखवा ससुरारी में तो उन्हें सुखवा कहूना, मैसेज आ रहा है या फिर सब लोग मुझे टैग कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि आज वो लोग सभी लोग समय पर पहुंच जाएंगे और मुझे सुनना चाहते हैं, काफ़ी उत्सुक हैं। तो उनकी ये उत्सुकता देख के मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही है कि आज जब मैं स्टेज पे जाऊंगी तो काफ़ी सारे लोग जो मेरे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं उनमें से आएंगे, काफ़ी यहाँ के लोग होंगे जो मुझे इतना स्नेह करते हैं, प्यार देते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैं दिन में ही, अभी जैसे ही मैं होटल पहुंची तो अपने रूम में जा करके मैं लाइव हुई, और उस समय क्योंकि भागा दौड़ी के बीच में फिर अपना फ़ोन लेके लाइव होना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब मैं कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दे रही हूँ तो मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्टेज पर। बहुत सारे ऐसे गीत हैं जो मैंने सोचा है लेकिन अभी ऐसा कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है। अगर आप कुछ और सवाल पूछना चाहें, वायरल हुई थी वो गाना, ऐसा भी मुझे कुछ ध्यान पे नहीं है। ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में तौने सुखवा कहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहूना। मैं दिल्ली में रहती हूँ लेकिन मैं बिहार इतना आते जाते रहती हूँ, मुझे लगता है दिल्ली से ज़्यादा ही मैं बिहार में रह जाती हूँ। अभी अभी बस परसों ही मैं आई थी अपने गांव मधुबनी, वहाँ पे मिथिला महोत्सव का आयोजन हुआ था तो फिर से अपने गांव जाने का अवसर मिला, और ऐसे ही लगातार आते जाते। पटना तो इतनी बार आती हूँ, महीने में 5-6 बार मैं पटना जाती हूँ, और बस मैं जहाँ भी जाती हूँ बिहार मेरे साथ रहता है। आज आज छोटे वाले भाई और पिताजी नजर नहीं आए। पिताजी क्योंकि हम हमारे लिए ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, पापा को और खाने में समय लग रहा था तो हम सोचे कि हम पहले आ जाएं। छोटे वाले भाई अभी उनका बोर्ड का एग्ज़ाम चालू था इसलिए इस महीने वो कहीं ट्रैवल नहीं कर पाए। बिल्कुल मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, और प्रधानमंत्री जी के सामने जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी, सबसे ज़्यादा खुशी की बात होगी। और काफ़ी काफ़ी ऐसा लगता है कि वो मेहनत करते करते धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम लोगों तक पहुंच रहे हैं और लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, तो ये काफ़ी प्राउड भी फील होता है। हम जब अपने माता पिता को एक सम्मानित महसूस करवाते हैं तो हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात होती है। बिल्कुल मैं बहुत अलग अलग भाषाओं में गाने का प्रयास करती हूँ, चाहे वो सिख समुदाय के लोग जो गाते हैं शब्द कीर्तन होता है, मैं कई साल से जाते आ रही हूँ पंजाब और अपनी प्रस्तुति देते आई हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे लगता है यहाँ पे सर ढकने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। वो ये सवाल अब हर बार मुझसे यहाँ बिहार में पूछा जाता है, मुझे लगता है कि दर्शक खुद चुनते हैं कि उन्हें किनको सुनना है, क्या सुनना पसंद है, तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, सब एक तरीके से मतलब अपने मन का गाते हैं। मैंने इस बीच में हाल ही में बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें अलग अलग लोगों ने, मैं बहुत छोटे उम्र के भी बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया गाते हैं अपने बिहार के, मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं खुद को देख रही होती हूँ उनमें, क्योंकि हम भी छोटे थे हम भी ऐसे ही गाते थे, अब तो मेरे भाई भी मुझसे लंबे हो गए, बड़े हो गए दिखने में, तो मैं वो बहुत मिस करती हूँ कि जब हम छोटे थे, और ऐसे में हम देखते हैं और बच्चों को गाते हुए तो हमें काफ़ी काफ़ी अंदर से बहुत खुशी होती है कि एक समय हम भी ऐसे ही छोटे छोटे थे तो ऐसे ही गाते थे। और कई सारे आपने जो पर्टिकुलर वीडियो देखा शायद मैंने अभी तक मुझ तक पहुँच नहीं पाया है, लेकिन ये वाकई में हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है जो हमारे जो यंग जनरेशन है, हमारी उम्र के लोग हैं, ये सब गाना गा रहे हैं जो काफ़ी पहले लोग गाया करते हैं, ये होता ही रहता है काफ़ी बार, और मुझे हर बार मतलब बहुत अच्छा फील होता है। अगर आप हमारे ब्लॉग्स देखते हैं तब तो आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जो पूछ रहे हैं तो जो लोग ये जो भी मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं ना उन लोगों को मालूम है, तो मैं आपको बताऊंगी भी नहीं। एक सवाल बाकी है, हम आपको देखते हैं। छोटे वाले भाई सबसे ज्यादा रूठते क्यों? वो आप ब्लॉग में नहीं देखे?
हर एक एपिसोड की अलग कहानी है। अभी भी मुझे कुछ ऐसा एहसास नहीं है, मैं आप सभी के बीच बैठी हूँ, लेकिन मैं बहुत बहुत ऐसा फील होता है कि मैं भी बहुत छोटी हूँ, आपसे भी बात करती हूँ तो कुछ सीखने को ही मिल जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है हर समय नए नए लोगों से मिलना और नई नई उपलब्धियों को छूना, उसको हासिल करना। मतलब काफ़ी जितना मिलते जा रहा है मुझे लगता है मैं और छोटी होती जा रही हूँ। अंकल अगर मुझे बिल्कुल माफ़ करिए मेरी आवाज़ दो लाइन, मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सेव करके रखूँ अपने आप। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।